कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ये बॉटल होल्ड कर सकती है। इसकी कैपेसिटी है 800 ml। डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स की, डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक कैंस की, जूसेस की कैपेसिटी अलग होती है। इस बॉटल की कैपेसिटी है 250 ml। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर, ठीक है। कैपेसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट मतलब नापना। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी मतलब क्षमता। किस चीज की क्षमता? आपने ये बॉटल देख रहे हैं, इस बॉटल की क्या कैपेसिटी है? कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ये बॉटल होल्ड कर सकती है? इसकी कैपेसिटी है 800 ml। डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स की, डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक कैंस की, जूसेस की कैपेसिटी अलग होती है। इस बॉटल की कैपेसिटी है 250 ml। ऐसे ही जब आपके जो भैया आते हैं दूध वाले घर पे देने, मम्मा कहती हैं जाओ 1 लीटर मिल्क ले लो, ठीक है। तो 1 लीटर मिल्क वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसी शेप का एक बीकर होता है 1 लीटर का, वो डिप करते हैं मिल्क में और दे देते हैं। तो ये क्या है 1 लीटर? इस कंटेनर की कैपेसिटी मतलब कितनी क्षमता तक मिल्क ये होल्ड कर सकता है, कितना मिल्क ये होल्ड कर सकता है, कितना वाटर ये बॉटल अपने अंदर फिल कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक है। मुझे बहुत कोल्ड हो रहा है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मुझे मेडिसिन लेनी है, और कितना लेनी है? 5 ml 3 times a day, ठीक है। तो ये तो मेरी मेडिसिन की जो बॉटल है, दिस इज 60 ml, और मुझे लेनी है 5 ml। 5 ml आप देख सकते हैं, ये जो ये छोटा सा बीकर है इसमें 5 ml का मार्क लगा है। यहां तक मैं मेडिसिन पोर करूंगी और पी लूंगी और मेरा कोल्ड शायद ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ml, लीटर, ये सब क्या है? दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द लिक्विड, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द लिक्विड। आपने कभी सुना है कि मुझे 1 किलो कोल्ड ड्रिंक दे दो? 1 किलो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, 1 किलो जूस लाए हैं? नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, 650 ml की कोल्ड ड्रिंक, 250 ml की कोल्ड ड्रिंक, हम जूसेस भी ऐसे लाते हैं। तो लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, ठीक है। लिक्विड को मेजर करने की और भी यूनिट्स होती हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पढ़ना है लीटर्स एंड मिलीलीटर्स के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर, ठीक है। कैपेसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, ठीक है। मेजरमेंट मतलब नापना, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट्स मतलब किन यूनिट्स से हम उन्हें मेजर करते हैं, किन यूनिट से डिनोट करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। और मिलीलीटर को हम क्या लिखते हैं? ml, और लीटर को लिखते हैं हम l। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन जो आप यूज करेंगे सारे कन्वर्जन और इस चैप्टर में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ लीटर एंड मिलीलीटर पढ़ना है। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मतलब लिक्विड्स को मेजर करने का यूनिट्स क्या है, ठीक है। नाउ लिक्विड्स हम पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, जूस, कुछ भी आपको मेजर करना हो, कोई भी मेजरमेंट हो किसी भी लिक्विड की, आप क्या करेंगे? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स यूज करेंगे। इनफैक्ट जो पेन्स में जो इंक पड़ती है, देखिए ये छोटी छोटी बॉटल्स में इंक आती है,
ये भी मेरी 15 ml की बॉटल्स हैं, तो मिलीलीटर में। जब आपको कोई बड़ा अमाउंट हो, जैसे आप पेट्रोल कभी ml में, मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़वाता होगा, पेट्रोल हमेशा हम लीटर्स में पढ़वाते हैं, 1 liter, 2 liter, 3 liter, ठीक है, जितना भी आपको पढ़वाना हो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ योर फ्यूल टैंक, और जैसे भी आपको पढ़वाना हो। एंड मेडिसिंस हम हमेशा ml, या इंक्स हमेशा ml, मतलब छोटा अमाउंट जो आता है वो ml में आता है, कम अमाउंट और ज्यादा अमाउंट आप लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। नाउ सी, कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर, मतलब मिलीलीटर में हमें दिया है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। हमारा रिलेशन क्या है, 1 liter = 1000 milliliter, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम मिलीलीटर में दिया है तो हम क्या कर देंगे, अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.0009 liters, ठीक है। तो हमारा कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर बहुत ही इजी है। सिमिलरली 3 liter = 718 milliliter, अब यहाँ पर आपका ये तो लीटर्स में है, इसको अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। 3 liter को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 718 को डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 liter प्लस 0.718 milliliter, आपका क्या हो जाएगा, 3.718 liters, ठीक है। आप मिलीलीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना लीटर्स में, मैम ने दोबारा लिख दिया था लेकिन वो गलत था, ठीक है, ये लीटर्स, देन आपका पूरा मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लीटर्स टू मिलीलीटर। कन्वर्जन ऑफ लीटर्स टू मिलीलीटर, लीटर से हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल। क्या यूनिट्स है, 1 liter = 1000 milliliter, तो क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर हम डिवाइड कर रहे थे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2000 milliliter। सिमिलरली 0.006 × 1000, क्या आ जाएगा, 6 milliliter। बहुत ही इजी है कन्वर्जन। अब आप मिलीलीटर से लीटर्स में आएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, जब आप लीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स। नाउ एडिशन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स कैसे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर एंड मिलीलीटर, लीटर्स के नीचे लीटर्स वाली यूनिट्स लिखिए एंड मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर वाली यूनिट्स लिखिए, या फिर आप इसको पूरे को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 25 लीटर्स है, 276 को अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25.276 and 15.893, बस ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा लीटर्स में, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए कॉलम बाय कॉलम, 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 6 + 3 = 9, 9 + 7 = 16 का 1 ही आया, 8 + 2 = 10, 11 का 1 ही आया, 5 + 5 = 10, 11 का 1 ही आया, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, तो ये क्या आ गया आपका, 41 liters = 65.9 milliliters। चलिए अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स। Now, you have to subtract this from this. Subtraction में आपको ये बहुत ही ध्यान देना होता है from का, ठीक है। Subtraction of capacity measures में same addition की तरह आपको column by column subtract करना है, but लिखने में आप from का ध्यान रखेंगे। Similarly, liter milliliter लिख दीजिए, 25.79 milliliter है, लेकिन हमेशा आप 3 digit में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 liter = 1000 ml, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 और 79 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, क्या आ जाएगा, 25.079, ठीक है, और 13.283 माइनस कर दो, 13283 माइनस कीजिए कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम,
कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम. नाउ 9 में से 3 गया, 6 आया, 7 में से 8 कौन माइनस कर रहा है? मैं नहीं कर पाऊंगी. तो हम एक कैरी लेंगे, कैरी नहीं बोरो लेंगे, उधार लेंगे पड़ोसी से. नॉक 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 नॉक. ठीक, पड़ोसी से एक ले लिया, ये 17 हो जाएगा. 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर 9 बचेगा. 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर क्या होगा फिर? 4 में से 3 गया 1 एंड 2 में से 2 गया 1. तो ये क्या आ गया? 11 लीटर 796 मिलीलीटर. आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, बहुत ही इजी है, बोरो लेना आप कर लेंगे. बस सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि मिलीलीटर 3 यूनिट्स में लिखते हैं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? आपको स्टेटमेंट दिया होता है, आपको उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है, देन ऑपरेशन करना है. अब जो हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज होंगे, तो हमारा दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार फिर क्लियर हो जाएगा. चलिए देखते हैं क्या है वर्ड प्रॉब्लम. Now see this word problem. बहुत ही यूनिक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग रहे हैं. चलिए देखिए क्या है, मेरे साथ साथ पढ़िए. A milkman has 20 liter milk in a container. उसके पास एक बड़ी सी बकेट, बड़े से कंटेनर आपने देखे होंगे मिल्कमैन लेके आते हैं, उसमें 20 लीटर मिल्क है. ठीक है, अब he sold 3.250 milk to Shivali. कोई शिवाली जी हैं, उनको 3.250 लीटर मिल्क उसने दे दिया. And 7.850 to Pallavi. Pallavi को दे दिया 7.850 लीटर मिल्क. अब how much milk does he have now? उसने जब इन दोनों को मिल्क बेच दिया इतना इतना अमाउंट, उसके पास फिर कंटेनर में कितना बचेगा? आप क्या करेंगे पहले? यस, आप सबसे पहले तो इसमें थ्योरी लिखेंगे. मिल्क सोल्ड टू पल्लवी, सोल्ड टू शिवाली. शिवाली जी ने कितना मिल्क लिया है? 3.250. मिल्क सोल्ड टू पल्लवी, पल्लवी जी ने कितना मिल्क लिया है? 7.850. क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो कॉलम बाय कॉलम. 0, 10, 9, 10, 11 का 1 यहाँ आया, 11.100 लीटर्स मिल्क इन दोनों को मिला के उसने बेच दिया. अब आपको बताना क्या है, अब उसके पास कंटेनर में कितना बचा है? तो 20 लीटर में से जब उसने इतना सोल्ड कर दिया दो लोगों को, तो आप कैसे निकालेंगे? यस, 20 लीटर में से आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा. एग्जैक्टली, टोटल मिल्क इन द कंटेनर कितना मिल्क है था? 20 लीटर. ठीक है, एंड मिल्क सोल्ड टू शिवाली एंड पल्लवी कितना सोल्ड हुआ? 11.100. नाउ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर कितना मिल्क लेफ्ट है? 0, 0. आप क्या करेंगे? 0 में से 1 नहीं माइनस कर पाएंगे, आप इधर से बोरो लेंगे, इधर से बोरो लेंगे. 10 में से 1 गया 9.9 में से 1 गया 8. ठीक है, 8.900 लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट विद द मिल्कमैन. आई होप आप कर लेंगे. बस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, देन ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए. अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स, मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है. बस 9.095 की मल्टीप्लाई बाय, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है. पहले आप 2 से सारे नंबर्स को कीजिए. 5 टू ज 10 का 1 यहाँ आया, 9 टू ज 18 प्लस 1 19 का 1 यहाँ आया, 9 टू ज 18. ठीक है, फिर आप 1 से कर दीजिए, 5909. ठीक है, फिर आप क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए. 4 का 1 यहाँ आया, 9, 10, 11 का 1 यहाँ आया, 9, 10. अब पॉइंट कहाँ लगेगा मैम? पॉइंट यहाँ पर 1, 2, 3, 3 नंबर से पहले लगा है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स के वर्ड प्रॉब्लम कैसे करें. Now the word problem of multiplication of capacity measures. Word problem में same statement है, पढ़ना है, analyze करना, operation करना है. चलिए पढ़ते हैं. A bottle can hold 750 ml juice.
एक बॉटल है, इसमें 750 ml जूस आ सकता है, कैन होल्ड. हाउ मच जूस कैन बी फिल्ड इन 6 सच बॉटल्स. अब वैसे ही 6 बॉटल्स में कितना जूस आएगा. राइट सॉल्यूशन सेंटेंस, ये अभी आप कर लिए पहले ये सॉल्यूशन, फिर हम सॉल्यूशन का सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं अभी बताती हूं. अब आपको एक बॉटल की क्वांटिटी दी है, 6 बॉटल्स की निकालनी है. जब भी आपको कम अमाउंट दिया हो, 1 बॉटल दी है आपको, निकालनी है 6 बॉटल्स, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, तो बॉटल कैन होल्ड 750 ml. अ बॉटल कैन होल्ड जूस इक्वल टू 750 ml. 6 बॉटल कैन होल्ड जूस मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा. आप इसको पहले तो आप पॉइंट में कर लीजिए, 0.750. ठीक है, 750 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.750 आ जाएगा, ये लीटर्स में हो गया आप. ठीक है, नाउ 6 5 30 का 3 आया, 7 6 42 43 44 45 45. पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 नंबर से पहले है, तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. तो कितना जूस आएगा 6 बॉटल्स में, 4.5 liters ऑफ जूस. तो सॉल्यूशन सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 6 बॉटल्स कैन होल्ड 4.500 liters ऑफ जूस. तो आई होप आप समझ गए मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे. चलिए अब देखते हैं डिविजन ऑफ कैपेसिटी मेजर. नाउ सी डिविजन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स, डिवाइड 5.375 liters बाय 5. सिंपल डिविजन है, 5.375 by 5. ठीक है, 5 1 5 माइनस किया 0 आया. ठीक है, अब पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया. फिर ये 3 यहाँ पर लिया, 3 अभी नहीं 5 से डिवाइड हो पाएगा, एक 0 लगाया. फिर 7 भी यहाँ पर आ गया, 5 की टेबल में 37 नहीं आता है, 35 आता है. 5 7 35 माइनस किया 2 आया. फिर ये 5 ले लिया यहाँ पर, 5 5 25 माइनस किया 0 आ गया. तो 1.075 liters आपका आंसर हो गया. चलिए अब देखते हैं डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे. नाउ लुक एट दिस वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स. 5 टिन्स हैव 92 लीटर 70 मिलीलीटर घी, घी की टिन्स है. ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 टिन. लास्ट जो हमने वर्ड प्रॉब्लम देखी थी उसमें क्या था, 1 बॉटल की अमाउंट दे रखी थी आपसे, 6 बॉटल्स की जूस की कैपेसिटी पूछी थी. तो आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई. अब यहाँ 5 टिन्स की दे रखी है आपसे, 1 टिन की पूछी है, मतलब ज्यादा से कम पे आना है तो डिवाइड होगा. ठीक है, तो 5 टिन्स है घी, कितना घी है 5 टिन्स में, 92.070 liter. ठीक है, फाइंड 1 टिन है, क्या करोगे, डिवाइड कर दो 5 से 92.070 को डिवाइड कर दो. 5 1 5 माइनस किया 4 आया, 2 यहाँ आया. 5 8 40 माइनस किया 2 यहाँ आया. अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 0 यहाँ आएगा. 5 4 20 माइनस किया 0 आया, फिर 7 यहाँ आ गया. फिर 5 1 5 5 1 5 आ गया, माइनस किया 2 यहाँ आया. ठीक है, फिर ये 0 यहाँ आ गया. 5 4 20 माइनस किया 0 यहाँ आया, तो कितना आ गया, 1 टिन की अमाउंट. तो 1 टिन कैन हैव 18 liter 414 milliliter. दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. So, आप देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट क्या है. चलिए, टुडेज अमेजिंग फैक्ट इज अ मूनबो इज अ रेयर लूनर रेनबो. मूनबो क्या है, एक रेयर लूनर रेनबो है. रेनबो देखा तुमने, 7 कलर्स वाला, प्रोड्यूस बाय लाइट फ्रॉम द मून. कैसे प्रोड्यूस होता है वो, लाइट फ्रॉम द मून. Our eyes see it as white, even though all colors are finally present.
हमारी आई से वो मून वो व्हाइट ही दिखता है पर उसमें सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं. Isn't it interesting and amazing? So in this I have told you amazing concept of measurement of capacity and the amazing fact. Keep watching my series. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.